सो फ्रेंड्स, जैसे कि गर्मियों का सीजन है, मॉनसून सीजन है, ऑयल प्रोड्यूस हो जाता है, एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है, पिगमेंटेशन हो जाता है. साथ ही साथ मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप पार्लर को तो बाय बाय कर दें, केमिकल ट्रीटमेंट किसी भी चीज पे नहीं कराएं, स्किन पे, हेयर पे. तो इस वीडियो में मैं आपको स्किन केयर की रेमेडीज शेयर करूंगी जो मैं फॉलो करती हूँ. साथ ही साथ अगर आप इन रेमेडीज को यूज करेंगे तो हमेशा के लिए पार्लर को बाय बाय कर देंगे, पैसे भी बचाएंगे और अपनी स्किन को यूथफुल रखेंगे. ये सारे फायदे आपको लंबे समय तक देखने को मिलते हैं अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं. तभी आपको ये फर्क नजर आता है कि अगर आप 40-50 के हैं तो आप अपनी उम्र से 5-10 साल कम के लगते हैं. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल. जैसा कि हम सब जानते हैं कि केमिकल्स को बाय बाय करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और इस आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर हम काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स को ढूंढते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं कि हमें होम रेमेडीज ना करनी पड़े या फिर मेहनत ना करनी पड़े या फिर टाइम ना लगाना पड़े और हम बाजार के मार्केट के प्रोडक्ट्स को परचेज करके और अपने चेहरे को निखार लें या फिर अपने हेयर को निखार लें. सो फ्रेंड्स, इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस हैं आप सबको पता होगा कि मैं होम रेमेडीज में ज्यादा एम्फेसाइज करती हूँ. साथ ही साथ ये भी शेयर करती हूँ कि अगर आपको प्रोडक्ट्स को कुछ परचेज करना है तो माइल्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वही परचेज किया करें और साथ ही साथ देखभाल के किया करें, क्योंकि आपकी स्किन है, आपका हेयर है. जब तक आप उसको अच्छे से देख परख के नहीं यूज करेंगे तो आपके पैसे भी जाएंगे, साथ ही साथ आपकी स्किन और हेयर भी खराब हो सकती है. सो इस वीडियो में मैं आपको 3 रेमेडीज शेयर करूंगी जो कि आप कंटिन्यूस यूज कर सकते हैं. इसको यूज करने से लंबे समय तक जब आप इसको यूज करेंगे तब आपको आपकी उम्र जो है 5-10 साल कम लगेगी, अपने आप को लगेगी और दूसरे तो खैर नोटिस करेंगे ही करेंगे. सो फ्रेंड्स, ये जो मेथड है या फिर ये जो होम रेमेडी है ये आप वीकली वंस कर सकते हैं. पहली एप्लीकेशन में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, साथ ही साथ घर पे भरे हुए इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसको करेंगे और ये आपको बिल्कुल भी पैसे नहीं लगेंगे. इसमें 5-10 रुपीज ही खर्चा आएगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, अपने लिए टाइम निकालेंगे, आपको अच्छा लगेगा. साथ ही साथ इसके जो बेनिफिट्स हैं आपको लॉन्ग टर्म में जब आप मिलेंगे आप मेरे को थैंक यू जरूर बोलेंगे. सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. सब्सक्राइब करिए बिंदु नेचुरल वर्ल्ड को, आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए घंटी को दबाइए, ये बिल्कुल फ्री है. सो रेमेडी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि स्किन के साथ साथ हमें हेयर की भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और हेयर रिलेटेड 6 डेज का हेयर ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं. साथ ही साथ 15 डेज का ग्रे हेयर चैलेंज भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर आपको प्री मेच्योर ग्रेइंग है या ग्रे हेयर से परेशान है. तो चलिए स्किन केयर रेमेडी पहले स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारा है नंबर 1 स्टेप. फर्स्ट स्टेप में हम यूज करेंगे यहाँ पे दही. दही मीन्स कर्ड. दही जो होती है काफी ज्यादा अच्छी होती है आपकी स्किन के लिए. ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, सबके लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है. इसको यूज करने के अलग अलग तरीके होते हैं. एक वीडियो मैंने 2 साल पहले डाला था जो कि काफी ज्यादा यूजफुल लगा आप लोगों को और वो काफी ज्यादा अच्छा भी है. सो उसको आप जरूर चेक कर लीजिएगा कि दही को यूज किस तरह से किया जाता है. दही हर घर में मिल जाती है और दही को यूज किस तरह से करना है ये हम सबको नहीं पता होता है. सो उस वीडियो में मैंने डेमो के साथ शेयर किया है कि दही को किस तरह से यूज करेंगे. अगर कंटिन्यूस डेली यूज करेंगे दही को तो अगर आप लाइक वुड बी ब्राइडल है तो आपको 1 महीने में बहुत अच्छा सा निखार मिलेगा बिना किसी पार्लर गए हुए. सो पहली जो स्टेप है हमारा वो है क्लिंजिंग. क्लिंजिंग में हम यूज करेंगे दही. थिक वाली दही लेनी है आपने, अपने फेस के ऊपर लगाना है, उसको अच्छे से रब कर लेना है, अच्छे से मसलिए उसको और उसके बाद आप चाहें तो इसको सुखा सकते हैं और आप नहीं चाहें तो इसको सिर्फ और सिर्फ वाइप ऑफ कर सकते हैं. 2-3 मिनट इसको अच्छे से रब करिए, मसाज करिए एंड देन वाइप ऑफ कर दीजिए. वाइप ऑफ करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो सारी डस्ट डर्ट है निकल जाती है. दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो कि आपकी क्लिंजिंग का काम करता है. बच्चों को दही से नहलाया जाता था सिर्फ हेयर स्किन और आपकी बॉडी के लिए. दही काफी ज्यादा अच्छी होती है. सो दही काफी ज्यादा यूजफुल है हम सबके लिए. सो फर्स्ट स्टेप जो है वो इजीली आप घर पे कर सकते हैं, इसको जरूर करिए और इसको आप डेली भी कर सकते हैं. मीन्स ये क्लिंजिंग का स्टेप जो है आप डेली भी आप कर सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप में हम यूज करेंगे स्क्रब. स्क्रब के लिए हमें चाहिए है कॉफी. डार्क कॉफी मैंने ली है ना. कॉफी जो होता है वो आपके एंटी एजिंग की प्रॉब्लम्स को दूर करता है, माइल्ड स्क्रब का काम करता है. साथ ही साथ ये कॉफी जो है आपके स्किन को ब्राइटन अप करता है, डेड स्किन को हटाता है, साथ ही साथ आपके पोर्स को डीपली क्लीन करता है. 1 चम्मच मैंने ली है कॉफी एंड देन उसके अंदर मैंने डाला है दही, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है. अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं, हल्की सी हल्दी मैंने डाली है.
हल्दी एंटीबैक्टीरियल होती है जो कि आपको एक्ने और पिंपल से बचाती है। इस मौसम में, मानसून के मौसम में हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है ऑयल प्रोडक्शन की, जिससे कि हमें एक्ने हो जाते हैं या फिर हमारी स्किन डल लगने लगती है, क्योंकि जो हमारी स्किन है वो सूखी नहीं रहती है, उसमें किसी न किसी तरीके से मॉइस्चर आता रहता है, क्योंकि हमें स्वेटिंग होती है, गर्मी होती है, उससे हमारा जो स्किन है वो डल सा नजर आने लगता है। दो ही मेन प्रॉब्लम्स होती हैं इस सीजन में, एक्ने एंड देन ऑयल प्रोड्यूस होता है। सो इस कारण से हम क्या करते हैं कि हम मॉइस्चराइजर ही नहीं लगाते, कुछ लगाते ही नहीं है फेस के ऊपर, जिससे कि हमारा चेहरा और डल होता जाता है। तो फ्रेंड्स, इस टाइम पे आप होम रेमेडीज यूज करिए, ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करिए जो ऑयल फ्री हो, आपके स्किन को नरिशमेंट चाहिए, चाहे मॉनसून सीजन है, विंटर है, समर है, हमें उसी के अकॉर्डिंग इन चीजों को यूज करना चाहिए। सो सेकेंड स्टेप में आपने स्क्रब बना लिया है, फेस को वॉश कर लीजिए पहले स्टेप के बाद, उसके बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस के ऊपर, अपने हाथों से माइल्ड स्क्रब करना है। साथ ही साथ ये जो स्क्रब है ये आपने कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए करना है। मसाज किस तरीके से करनी है इसके लिए भी मेरा अलग से वीडियो है, 2 साल पहले अपलोड किया हुआ, आप उसको चेक कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं स्किन केयर के जो काफी ज्यादा यूजफुल हैं और बहुत सारे लोगों ने उसको नहीं देखा है, तो आप मेरे स्किन ब्राइटनिंग प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लीजिएगा, जिसमें आपको बहुत सारी ऐसी होम रेमेडीज मिल जाएंगी जो आपकी स्किन को निखारेगी। सो चलिए थर्ड स्टेप की हम बात करते हैं। थर्ड स्टेप में आएगा आपका फेस मास्क। सो हमने फेस स्क्रब कर लिया, फेस स्क्रब करने के बाद इसको वॉश कर लीजिए। नाउ ये फेस स्क्रब जो है ये आपने करना है वीक में ट्वाइस, 2 बार से ज्यादा मत करिएगा, और अपने माइल्ड हाथों से माइल्ड मसाज करनी है, रगड़ना नहीं है बहुत जोर जोर से अपने स्किन को, तो इस तरीके से आप मसाज करिएगा। फेस मास्क में हम यूज करेंगे यहाँ पे बीट रूट पाउडर जो होता है ये आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। इसमें होते हैं बहुत सारे विटामिन मिनरल्स जो कि आपकी स्किन को नरिशमेंट देते हैं। इसमें मैंने ऐड किया है दही, साथ ही साथ इसमें हमने थोड़ा सा एलोवेरा जेल भी डाला है। सो आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा जेल डाल सकते हैं, आप चाहें तो दही भी डाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हल्का सा सेंचर ऑयल भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, कितना प्यारा इसका कलर आ गया है, और इसको हमने अप्लाई कर लेना है अपने स्क्रब किए हुए फेस के बाद। नाउ बीटरूट पाउडर जो होता है ये आपकी स्किन को ग्लो देता है, आपकी स्किन को गुलाबी गुलाबी कर देता है, टमाटर के जैसे लाल लाल कर देता है, मींस ऐसा रंग नहीं चढ़ेगा बट आपकी जो स्किन टोन है वो इम्प्रूव होगी। सो इसको आप अप्लाई करिए और ड्राई होने के बाद इसको वॉश कर दीजिए नॉर्मल पानी से। ये हमारे 3 स्टेप हुए। फेस मास्क जो है ये भी आप वीकली वंस यूज कर सकते हैं या ट्वाइस भी यूज कर सकते हैं। सो इस तरीके से इन तीनों चीजों को यूज करिए, और साथ ही साथ आपने यूज करना है ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर। ना ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर जो कि आपकी स्किन को नरिशमेंट भी दे, सल्फेट फ्री हो, पैराबेन फ्री हो और आपकी स्किन के लिए अच्छा हो। काफी टाइम से मैं इसको यूज कर रही हूँ। मैं यहाँ पे आपको शो करूंगी मामाअर्थ के 2 फेस मॉइस्चराइजर्स जो 2 अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए बनाए गए हैं, एक एक करके हम उनको देखेंगे। साथ ही साथ मामाअर्थ की ब्रांड जो है वो इंडियन ब्रांड है और ये आपके सारे स्किन टाइप्स के लिए यूजफुल होती है। जितना ये प्लास्टिक प्रोड्यूस करते हैं उससे ज्यादा ये रिसाइकल करते हैं। साथ ही साथ इनके काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स को मैंने यूज किया हुआ है और आपको रिकमेंड भी करती हूँ कि आप टाइम टू टाइम इनको ट्राई कर सकते हैं, जरूरत के हिसाब से आप इनको परचेज भी कर सकते हैं। ये अवेलेबल है पर्पल, नाइका, अमेजन एंड mamaearth.in की साइट पे। अगर आप बिंदु 2021 कोड यूज करेंगे तो 20% डिस्काउंट आपको इजीली मिल जाएगा। तो चलिए प्रोडक्ट्स को देख लेते हैं किस तरह से यूज करना है और किस तरह से ये आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ मामाअर्थ विटामिन सी ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर का, जो कि विटामिन सी और गोतुकला से बना हुआ है, पैराबेन सिलिकॉन फ्री है, लाइट वेट फॉर्मूला है, साथ ही साथ सारे स्किन टाइप्स के लिए अच्छा रहता है। 80 ग्राम्स का ये पैक है, स्किन को इलिमिनेट करता है। इसकी प्राइस की अगर हम बात करें तो ये है 299 रुपीज का। साथ ही साथ ये आपको काफी ज्यादा यूजफुल रहता है इन गर्मियों के सीजन में। नाउ इसके लिए हमें थोड़ा सा अमाउंट लेना है, यूज करना है, और इसको आप 2 बार यूज कर सकते हैं दिन में, और इसके बाद आपने सनस्क्रीन हमेशा लगाना है डे टाइम में, क्योंकि इस टाइम पे जो सन रेज होती हैं वो भी आपको डैमेज करती हैं, तो मॉइस्चराइजर के बाद सनस्क्रीन जरूर लगाएं। ये 15 साल से ऊपर के लोगों के लिए परफेक्ट है। इसी के साथ फ्रेंड्स, इसका दूसरा वर्जन है मामाअर्थ टी ट्री ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर, जो कि टी ट्री एंड सैलिसाइलिक एसिड से बनाया गया है, पैराबिन सिलिकॉन फ्री है, लाइट वेट फॉर्मूला और एक्ने प्रोन स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ऑयल की
वजह से हमें एक्ने और पिंपल इस मौसम में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जो कि हम इस मॉइस्चराइज़र को यूज़ करके कम कर सकते हैं। ये भी आपने मॉर्निंग एंड नाइट में दो बार यूज़ कर सकते हैं, बिफोर मेकअप आफ्टर फेस वॉश, और थोड़ा सा अमाउंट लेना है, अप्लाई कर लेना है जैसे कि हम नॉर्मल मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं। ऑल मामाअर्थ प्रोडक्ट्स आर टॉक्सिन फ्री। मामाअर्थ एक इंडियन ब्रांड है, साथ ही साथ आप कमेंट्स में हैशटैग वोकल फॉर लोकल भी यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक पॉजिटिव है ये जितना प्रोड्यूस करते हैं उससे ज़्यादा ये रिसाइकिल करते हैं। ये अवेलेबल है मामाअर्थ, अमेजन, नाइका एंड पर्पल पे, और बिंदु 2021 कोड यूज़ करेंगे तो मामाअर्थ की साइट पे आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दे प्लांट। सो रिसेंटली फ्रेंड्स, मामाअर्थ ने अपनी ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च की है जो कि iOS एंड Android प्लेटफॉर्म्स के लिए है। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बार में मिल जाएंगे। इस ऐप को जल्दी से यूज करिएगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स पाने के लिए। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर करिएगा। आगे मिलते हैं अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।